न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नारनौल जेल रिश्वत कांड में बुधवार की सुबह गुरुग्राम विजिलेंस की टीम ने रेवाड़ी जेल अधीक्षक अनिल कुमार के घर पर रेड की। हालांकि विजिलेंस टीम अधीक्षक के घर के अंदर दाखिल नहीं हो पाई क्योंकि घर अंदर से बंद था। विजिलेंस टीम ने घर की तलाशी लेने के लिए सर्च वारंट लेकर जेल अधीक्षक के घर की तलाशी ली। विजिलेंस सूत्रों के अनुसार जेल अधीक्षक घर के भीतर ही छिपे हुए थे। जेल रिश्वत कांड में 9 दिसंबर को 7 PC एक्ट के तहत केस दर्ज है। इसी मामले को लेकर जेल अधीक्षक अनिल कुमार व डिप्टी अधीक्षक कुलदीप हुड्डा का भ्रष्टाचार में नाम आया था। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को विजिलेंस गुरुग्राम यूनिट ने नारनौल जेल में रेड की थी। उस वक्त जेल वार्डन राजन को 1,00,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। रिश्वत की रकम हरियाणा राजस्थान के नामी गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुजर के खास गुर्गे संदीप उर्फ सिंधिया के भाई हंसराज से ली गई थी। उस वक्त जेल के अन्य वार्डन गजय सिंह का नाम भी सामने आया था। विजिलेंस टीम ने गजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया था। दोनों से सख्ती से हुई पूछताछ के बाद नारनौल जेल के डिप्टी अधीक्षक कुलदीप हुड्डा व नारनौल जेल के अतिरिक्त कामकाज देख रहे रेवाड़ी जेल अधीक्षक अनिल कुमार का नाम भी सामने आया था। विजिलेंस टीम द्वारा 7 PC एक्ट के तहत दर्ज की गई FIR में जेल वार्डन राजन व गजय सिंह के अलावा नारनौल जेल के डिप्टी अधीक्षक कुलदीप हुड्डा को भी नामजद किया गया था। जैसे जैसे जाँच आगे बढ़ी उसमें जिला जेल अधीक्षक अनिल कुमार का नाम भी जुड़ गया। अब उसी आधार पर विजिलेंस टीम ने आज रेवाड़ी स्थित जेल अधीक्षक अनिल कुमार के घर पर रेड की, लेकिन उसके बाद से विजिलेंस टीम घर के बाहर करीब 5 घंटे खड़ी रही जबकि घर अंदर से बंद था। विजिलेंस टीम अनिल कुमार से पूछताछ करना चाहती थी, इसी आधार पर ये रेड की गई, लेकिन सर्च वारंट नहीं होने की वजह से विजिलेंस टीम घर के अंदर दाखिल नहीं हो पाई थी। विजिलेंस सूत्रों के अनुसार अनिल कुमार घर के भीतर ही छिपे हुए थे। कुछ देर बाद सर्च वारंट मिलते के साथ ही विजिलेंस टीम घर के अंदर दाखिल हो गई। बताया जा रहा है कि नारनौल और रेवाड़ी दोनों जेलों में अपराधियों से पैसा लेने का खेल काफ़ी पुराना चल रहा है, जिसकी जानकारी विजिलेंस ब्यूरो को पहले से ही मिली हुई थी और उसी आधार पर विजिलेंस की टीम आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ राजकुमार की रिपोर्ट। 9/12/2021 को जिला जेल नारनौल पर रेड मारी गई थी, जिसमें एक मुलाजिम रेड हैंडेड पर गया था, एक बाद में गिरफ्तार किया था गजय सिंह। उस पैसों के बारे में इनका नाम आ रहा था, अगर हमने अपने पैसे नहीं मंगाए, स्टूडेंट के पैसे लेने आए थे, जिस मुकदमे में इनका नाम था। इनके पास टेम्परेरी चार्ज है नारनौल जेल का, यहाँ के ऑर्डर है, वहाँ टेम्परेरी चार्ज है। आज इनको शामिल तफ्तीश करने के लिए रेड मारी गई थी, जो 4 घंटे का दरवाज़ा नहीं खोला इनकी मैम ने, मैडम ने। 4 घंटे बाद जो किसी वकील के माध्यम से दरवाज़ा खुलवाया गया है, अब देखा गया, तलाशी लेकर आगे अंदर नहीं है कोई नहीं झगड़ा। आगे क्या कुछ अब कार्रवाई की जाएगी, जिस तरीके से 4 घंटे शामिल जाँच होने के बाद पता लगेगा। अभी तक कितने लोगों के नाम सामने आ चुके हैं इसमें? अभी तो कुलदीप हुड्डा का नामजद है, इनका शामिल तफ्तीश में नाम आया है, 2 अरेस्ट कर लिए। कुलदीप हुड्डा की पोस्टिंग पे, पोस्टिंग नारनौल है, उनकी एडिशनल स्टूडेंट है। एडिशनल स्टूडेंट आज बेल अप्लीकेशन लगी हुई है, कोर्ट से जो भी आदेश होंगे बता दीजिए, एग्रीमेंट लगी हुई है। इनसे केवल पूछताछ करने आए थे, गिरफ्तारी का कुछ नहीं था? गिरफ्तारी तो शामिल जांच होने के बाद में, जब गिरफ्तारी हो जाएगी तो फिर गिरफ्तार करेंगे, शामिल जांच के बाद पता लगेगा। शामिल जांच करने के लिए आए थे। कब पहुंचे थे आप यहाँ पे और क्या कुछ रहा अंदर, जैसे आप अंदर भी गए? सुबह 5 बजे आए थे, 4 घंटे तक दरवाजा नहीं खोला गया। मैडम ने फिर लेडीज पुलिस बुला के और वकील के माध्यम से गेट खुलवाया गया। कहीं लगता है कि आपके आने की सूचना के बाद फरार किया गया, जैसे 4 घंटे तक दरवाजा नहीं खोला, तो इस तरह के हो सकता है 4 घंटे तक दरवाजा नहीं खोला, लेकिन अब तो हमारे को नहीं पता चला कि है कहाँ अनिल जांगड़ा। अब ये तो बाद में पता लगाएंगे। क्या कुछ बताया जा रहे हैं यहाँ से, इधर से इन्होंने कुछ बताया मुझे? इन्होंने कहा कि रात को निकल चुके थे 10 बजे यहाँ से। कहाँ के लिए? वो कहाँ गई है तो वो जाने, इन्होंने नहीं बता गया। अभी 10 बजे यहाँ से आउट हो गए थे।